टाइटन पनडुब्बी के हादसे ने भविष्य में ऐसी सभी यात्राओं और खोजबीन पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या अब कभी कोई टाइटैनिक का मलबा देखने जाएगा। जाहिर है जब ऐसे हादसे होते हैं तो लोग डर जाते हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, कई लोग ऐसी यात्राओं पर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार मलबा देखने जाने की ज़रूरत क्या है। कई लोग इसे एक एडवेंचर मानते हैं जिसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जो हादसा हुआ उसने आगे की ऐसी सभी एडवेंचरस यात्राओं पर सवाल खड़े कर दिए। टाइटैनिक का मलबा दिखाने जा रही ओशन गेट एक्सपेडिशन की टाइटन पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खो गई, जिसके बाद युद्ध स्तर पर खोजबीन चली। अभियान के दौरान पनडुब्बी का मलबा मिला। अधिकारियों का कहना है पनडुब्बी में जो मलबे मिले हैं उसमें लैंडिंग फ्रेम रियर कवर शामिल है। कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया, अमेरिकी डॉक्टर्स मानव अवशेषों की औपचारिक जांच भी करेंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया टाइटन पनडुब्बी में गोता लगाने के करीब 1.5 घंटे बाद विस्फोट हुआ। इससे पनडुब्बी में सवार 2 अरबपतियों के साथ कुल 5 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में दुबई के ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रांसीसी पनडुब्बी ऑपरेटर पॉल हेनरी नार्जुलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी थे। बताया जा रहा है टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में दफन है, जहां जोखिम लेने वाले उद्यमी और अमीर पर्यटक ही जा सकते हैं, क्योंकि इसकी यात्रा बहुत महंगी है। वो भी तब जब वो कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को दरकिनार कर अपने सपने को पूरा करना चाहते हों। समुद्री इतिहास और नीतियों पर काम करने वाले एक प्रोफेसर का कहना है कि हम गहरे पानी में पनडुब्बी संचालन के एक बिंदु पर हैं, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआती एरोप्लेन इंडस्ट्री के समान है। उस वक्त भी लोग विमान में यात्रा करने से डरते थे। आपके घर में भी कई ऐसे लोग होंगे जो उस समय ये सोचते होंगे कि विमान में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि विमानन इंडस्ट्री की तरह ही पनडुब्बी इंडस्ट्री का भी एक तरीके से इसकी शुरुआत होगी, यानी पनडुब्बी पर्यटन भी आगे आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा। प्रोफेसर कहते हैं कि जब विमानन उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, यानी जब शुरुआत हुई, तब निर्णयों को कानून में ढालने के लिए दुर्घटनाओं का सहारा लेना पड़ा। एक समय ऐसा आएगा जब आप सबमर्सिबल यानी सबमरीन पर चढ़ने के लिए और उस पर चढ़ने के लिए 13,000 फीट नीचे जाने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे, लेकिन हम अभी वहाँ नहीं हैं, इसलिए शायद हम ये बात सोच रहे हैं। टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट नीचे है, यानी 4,000 मीटर। ये गहराई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 4.5 गुना से भी ज्यादा है। उस गहराई पर पानी के अंदर का दबाव सतह पर मौजूद दबाव से लगभग 400 गुना ज्यादा है। बहुत कम पनडुब्बियां वहां टिक पाती हैं, और शायद यही वजह है कि कहा भी जा रहा है कि जो टाइटन पनडुब्बी थी उसने ऊपर का इतना प्रेशर झेला कि उसके अंदर इम्प्लोजन हुआ, जिसे हम अंतः विस्फोट कहते हैं। टाइटन एक तरह की पनडुब्बी थी। इसका शरीर कार्बन फाइबर से बना था, इसका साइज छोटी कार के बराबर था, लंबाई थी 7 मीटर, सामने की तरफ पारदर्शी खिड़की लगी थी जिससे टाइटैनिक का जो मलबा है वो देखा जा सकता था, और यहीं से लोग अंदर बैठे बैठे वीडियो बनाते थे। इसमें एक पायलट के अलावा 4 और लोग बैठ सकते थे। 17 साल से ऊपर के लोग इसका टिकट ले सकते थे। एक टिकट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी, बहुत महंगी। शायद यही वजह है कि सब लोग जा नहीं पाते, और अमीरों की लिस्ट ही इसमें है जो इस तरीके की पनडुब्बियों में सफ़र इस वक्त कर रहे हैं। इसने 18 जून को कैनेडा के न्यूफाउंडलैंड से यात्रा शुरू की। टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 4,000 मीटर नीचे है। इसकी खोज हुई सितंबर 1985 में। यूएस नेवी के अफसर थे रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने इसकी खोज की। उसके बाद वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स ने रिसर्च के मकसद से कई बार इसका दौरा किया। कुछ इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं 3D डॉक्यूमेंट्रीज के नाम पर। फिर 2010 के दशक में एक नई रेस शुरू हुई, मलबे तक जाना, मलबे का दीदार करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद टाइटैनिक के मलबे को 33 बार देखा है अपनी पनडुब्बी से। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की, ओशन गेट उन्हीं में से एक है। उसके बाद उनके पास टाइटन जैसी कुछ और पनडुब्बियां हैं।
एक बार में टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस बाहर आने में टाइटन को लगभग 8 घंटे लगते थे। इसमें एक बार में 96 घंटे तक चलने लायक ऑक्सीजन भरा जा सकता था। टाइटन को बाहर से पोलर प्रिंस नाम के जहाज से सपोर्ट मिल रहा था। यही वो मदरशिप थी जिस पर वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है और उसी से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी पलों में हुआ क्या था। लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के लगभग 2 घंटे के बाद ही संपर्क टूटा। संपर्क टूटने के 8 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया। उसके बाद कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। टाइटैनिक देखने क्यों जाते हैं लोग? टाइटैनिक है क्या? दरअसल टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और आलिशान जहाज था। लॉन्च से पहले ही इसको समंदर की महारानी कहा जाने लगा। किसी को पता नहीं था कि 10 अप्रैल को होगा क्या। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्प्टन के बंदरगाह से रवाना हुई। 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे। इनमें दुनिया की कुछ सबसे चर्चित हस्तियाँ थीं। उनकी मंजिल लगभग 5,500 किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। लेकिन सफर की शुरुआत में ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर ओझल हो गया, जिसे आइसबर्ग कहते हैं। हादसे में 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए। जो बच गए उनके पास कहानियां रह गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।